और आपको अच्छे से समझ आए विथ प्रूफ में आपको देखने व्यूज कंप्लीट करने के बाद आपकी पहली पेमेंट आ सकती है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। दिखा दूं, यहां मैंने अपनी चैनल का एक वीडियो ओपन किया है और इस वीडियो पे आप देख सकते हैं 7,36,000 व्यूज अराउंड इस पे आए। हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूट्यूब चैनल बनाने के बाद पहली पेमेंट हमारे बैंक खाते में कब जमा होती है, पहली बार हमारे बैंक खाते में कब पैसा आता है। इसके साथ मैं आपको अपने चैनल पे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कितने व्यूवर्स कंप्लीट करने पे आपको पहली पेमेंट मिल जाती है और वह आपके बैंक खाते में जमा होती है। जल्दी से नीचे कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे आज नए आए हो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। देखिए व्यूअर्स, YouTube पे पैसा कमाने के लिए आपको एक YouTube चैनल क्रिएट करना पड़ता है। YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद पहले आपको मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। जो ही आप ये कंप्लीट करते हो उसके बाद आप अपनी चैनल को मोनेटाइज करते हो। मोनेटाइज करने के बाद आपके वीडियोस पे एड्स आने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं एड्स की वजह से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। आपकी चैनल पे जो भी अर्निंग होती है उसका 45% यूट्यूब रख लेता है और आपको 55% मिल जाता है। व्यूअर्स, इसका मतलब ये हुआ जो पहले 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना पड़ता है उसमें आपकी कोई भी अर्निंग नहीं होती है। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही अर्निंग स्टार्ट होती है, और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है और ये अर्निंग आपके एडसेंस अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाती है, और जब तक आपके एडसेंस अकाउंट में $100 नहीं आएंगे तब तक आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं आ सकता। और अगर आपके एडसेंस अकाउंट में $100 भी कंप्लीट होते हैं उससे पहले भी दो स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं ताकि वो पेमेंट आपके अकाउंट में जमा हो जाए। पहले तो आपको अपने एडसेंस अकाउंट में अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी पड़ती है, जिसे हम गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना भी कहते हैं। और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो 21 दिन जो ही गुजर जाते हैं उन 21 दिन में आपके पास YouTube की तरफ से Google AdSense की तरफ से एक डॉक्यूमेंट आता है और इसमें एक पिन होता है और इस पिन से आप अपना एड्रेस वेरीफाई करते हैं। जब आप ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते हो मेरे चैनल पे ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए, और ये कंप्लीट करने के बाद जब $100 आपके चैनल पे कंप्लीट होंगे उसके बाद वो आपके बैंक खाते में जमा होंगे। इससे पहले मैं आपको अपनी चैनल पे प्रैक्टिकल दिखा दूं कितने व्यूज आपके कंप्लीट होने चाहिए कि आपको $100 एडसेंस अकाउंट में कंप्लीट होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना होगा $99 भी अगर आपके एडसेंस अकाउंट में जमा होते तो वो आपके बैंक खाते में नहीं आ सकते। लेकिन जो रूल है, जो यूट्यूब से आपको पेमेंट आती है, जो लास्ट मंथ की पेमेंट आपकी होती है, वो अगले महीने के 7 से 11 तारीख तक आपके एडसेंस अकाउंट में जमा हो जाती है। जैसे यहाँ आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, एक पेमेंट जो लास्ट पेमेंट जो मैंने रिसीव की जो मेरे बैंक खाते में आ चुकी है, दैट्स $145। और यहाँ से आप देख सकते हैं $47.38 अभी वही मेरे एडसेंस अकाउंट में जमा है। ये $47 तब तक विड्रा नहीं हो सकते जब तक ये भी $100 नहीं हो गए। और ये जो $47 है ये मेरे लास्ट मंथ की पेमेंट है, ये इस महीने के 10 तारीख को मेरे एडसेंस अकाउंट में जमा हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जून का महीना चल रहा है और जो मई में मेरी पेमेंट हुई है YouTube से जो भी अर्निंग हुई है वो यहाँ पे $47.38 दिखा रहा है। और ये पेमेंट मई के महीने में मेरे एडसेंस अकाउंट में जमा नहीं हुई थी, ये जून के 10 तारीख को पेमेंट जमा हुई थी। ऐसा ही हर महीने होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जून के महीने में अर्निंग कर रहे हो यूट्यूब से तो ये जून के महीने में आपके एडसेंस अकाउंट में जमा नहीं होगी, बल्कि ये जुलाई के महीने में 7 से लेकर 11 तारीख के बीच में कभी भी आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जमा होगी। और जिस डेट पे ये पेमेंट आपके एडसेंस अकाउंट में जमा होती है उसी दिन आपके बैंक खाते में नहीं आती है, अगर ये $100 से या $100 से ज्यादा है, फिर 21 तारीख को गूगल एडसेंस की तरफ से यानी यूट्यूब की तरफ से इस पेमेंट को रिलीज किया जाता है। जब ये रिलीज पेमेंट होती है तो आपको इस तरह का मेल रिसीव होता है। ये जो मेल है ये मुझे 21 मई को रिसीव हुआ था, और इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आपकी अर्निंग हुई थी अप्रैल महीने में वो हमने रिलीज कर दी है और 5 बिजनेस डेज के अंदर आपके बैंक खाते में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपको बैंक वालों के साथ कॉन्टैक्ट करना होगा। और 21 तारीख को जब मुझे ये मेल हुआ
और उसके बाद 23 तारीख को 23 मई को मुझे बैंक की तरफ से एक मैसेज आया और यहां आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि ये सारी जो पेमेंट है ये मेरे बैंक खाते में जमा हो चुकी है। और यही प्रोसेस है किस तरह से यूट्यूब वाले आपके बैंक खाते में पैसा जमा करते हैं। और अब रहा सवाल, $100 कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने व्यूज आने चाहिए, तो ये आपकी चैनल पे डिपेंड करता है आपका चैनल किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल आपका चैनल अगर टेक रिलेटेड है या अगर आप अनबॉक्सिंग करते हैं उस पे सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं, अराउंड 2000 व्यूज पे आपका $1 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ 2,00,000 व्यूज अगर आपके टेक चैनल पे आ जाते हैं, अनबॉक्सिंग वाले चैनल पे आ जाते हैं, तो आपके $100 कंप्लीट होंगे। और अगर आपका ब्लॉग का चैनल है या आप कुकिंग रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, तो ये $100 अराउंड 5 to 6 lakh व्यूज पे जमा होते हैं। और अगर आपका गेमिंग या कुकिंग रिलेटेड चैनल है तो उस चैनल पे अराउंड 8 lakh व्यूज पे ये $100 आपके कंप्लीट होते हैं। ये डिपेंड करता है RPM पे। आपको अच्छे से समझ आए विथ प्रूफ मैं आपको दिखा दूं। यहां मैंने अपनी चैनल का एक वीडियो ओपन किया है और इस वीडियो पे आप देख सकते हैं 7,36,000 व्यूज अराउंड इस पे आए और इन व्यूज से इस चैनल पे इस वीडियो से मेरे कितने डॉलर्स बने, $123। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6,000 व्यूज पे मुझे खाली $1 मिल रहा है। तो यहां आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो $100 कंप्लीट करने के लिए मुझे 6,00,000 व्यूज चाहिए तब जाके मेरे $100 इस चैनल पे कंप्लीट होते। ये एक रिलीजियस चैनल है, इस पे जो डॉलर्स है वो कम बनते हैं, 6,000 व्यूज पे $1। वहां अगर टेक चैनल को आप देखेंगे जिसपे आप यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देते या किसी भी चीज के रिलेटेड टिप्स प्रोवाइड करते या अनबॉक्सिंग करते रिव्यूज करते हैं, तो वहां पे यही $1 2,000 व्यूज पे ही मिलता है। तो आप फर्क देख सकते हैं। ये सब चैनल के RPM पे डिपेंड होता है और जो टेक रिलेटेड चैनल्स होती है उन पे RPM काफी ज्यादा हाई होता है। RPM का मतलब 1000 व्यूज पे आपके कितने डॉलर्स बनते हैं। ये सब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। $10 के बाद क्या हुआ, जब $10 कंप्लीट हुए उसके बाद मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई कराई, फिर एड्रेस वेरीफाई हुआ, फिर $100 कंप्लीट हुए, फिर मैंने बैंक अकाउंट डाल दिया एडसेंस अकाउंट में, फिर मेरे बैंक में कब पैसा आया और कितने व्यूज पे आपको $100 कंप्लीट हो सकते हैं और कितने व्यूज कंप्लीट करने के बाद आपकी पहली पेमेंट आ सकती है, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हो। और लास्ट पे एक मरतबा फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे अगर नए हो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें।